हेलो सलाम नमस्ते स्वागत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं नितेश सिंह। आप देख रहे हैं टेक्निकल नेविगेटर यूट्यूब चैनल। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, बट वो काफ़ी यूजफुल ट्रिक है। एंड इस ट्रिक को बताने से पहले एक और बात आपसे करना चाहता हूं। हमारे एथिकल हैकिंग ऑनलाइन मास्टर ट्रेनिंग यानी कि EHOMT 3.0 से रिलेटेड जो हमारी एथिकल हैकिंग ऑनलाइन मास्टर ट्रेनिंग 3.0 अपकमिंग बैच है, जो कि एक न्यू बैच जो स्टार्ट होने वाली है, उसकी सारी डिटेल्स, कोर्स कंटेंट की डिटेल्स, टाइमिंग ड्यूरेशन डिटेल्स, फी डिटेल्स एंड गिव अवे डिटेल्स आपको 27th ऑफ अप्रैल के शाम को 5 बजे वाली वीडियो, 5 PM वाली वीडियो में दी जाएगी। तो 27th अप्रैल 5 PM की वीडियो देखना मत भूलना। अभी से रिमाइंडर लगा लो, अलार्म लगा लो उस डेट एंड उस टाइम की, ठीक है। एंड गाइज, आपको EHOMT 3.0 अगर आपको नहीं पता, तो ये एक लाइव ट्रेनिंग है एथिकल हैकिंग की, जो मैं लाइव स्टूडेंट्स को देता हूँ। एंड लाइव इंटरेक्शन होती है हमारी, एंड सब कुछ बिल्कुल लाइव चलता है। सो ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ ट्यून इन टू द चैनल ऑन 27th अप्रैल 5 PM। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आप सब ने एंड्रॉयड फ़ोन में तो देखा होगा, जब आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स जो है, काफ़ी सारी कंपनीज अब आपको सेटिंग्स के अंदर, डिस्प्ले सेटिंग के अंदर या फिर कहीं पे भी एक ऑप्शन दे देते हैं नेटवर्क स्पीड का, जिसे आप अगर टॉगल करते हैं, ऑन कर देते हैं, तो आपके स्टेटस बार में या नोटिफिकेशन बार में यू कहें आपके नेटवर्क की स्पीड शो होती है, लाइक अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड। बट विंडोज़ में ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड अगर हमें यहाँ टास्क बार में अगर नेटवर्क स्पीड भी शो करने लग जाए तो कितनी अच्छी बात है, कितना मज़ा आएगा। आपको नेटवर्क की स्पीड भी कभी पता चलता रहेगा जब भी आप कोई भी चीज़ ब्राउज करते हैं या डाउनलोड करते हैं या प्ले करते हैं। तो ये छोटी सी ट्रिक है गाइज, आपको सिंपली इस वेबसाइट पे आनी है entropy6.com/xmeters। दिस टूल इज नेम्ड xmeters। आपको इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे xmeter टूल मिल जाती है। बेसिकली ये एक टास्कबार सिस्टम स्टैट्स है विंडोज़ के लिए, जहाँ पे आपको रियल टाइम सिस्टम मॉनिटरिंग मिल जाती है, कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है। एंड ये जो है काफ़ी लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है एंड काफ़ी सारे इसमें फीचर्स इंक्लूडेड हैं। सिस्टम मॉनिटरिंग हो गया, CPU मॉनिटरिंग हो गया या नेटवर्क मॉनिटरिंग, सब कुछ इस पर इंक्लूडेड आपको मिल जाता है। बस आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक कर देनी है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है, इस तरह का एक सेटअप फाइल डाउनलोड हो जाएगा 30 MB के आसपास का। इसको आपको बस इंस्टॉल कर लेना है, जैसे आप दूसरे रेगुलर विंडोज सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं। आपको सिंपली डबल क्लिक इस पर करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको एग्री कर लेना है टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए, इंस्टॉल कर देनी है एंड इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको पहला ऑप्शन ही सिलेक्ट करके ओके कर देना है। टास्क बार को थोड़ी देर के लिए ये गायब करता है, थोड़ी देर के लिए टास्क बार को, एंड यहाँ पे इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो जाती है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो चुका है, लॉन्च पे क्लिक कर देना है आपको। लॉन्च करते ही गाइज ये आपसे पूछेगा कि क्या आपको इसे टास्क बार में इनेबल करना है। तो अगर आपको यस करना है तो आप यस जरूर कर दें। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछेगा डू यू वॉन्ट xmeters टूल बार ऑन योर टास्क बार, या आपको यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करते ही बाय डिफॉल्ट इसके चारों ऑप्शन सेलेक्ट होंगे, CPU मॉनिटरिंग, स्टोरेज मॉनिटरिंग, नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड मेमोरी मॉनिटरिंग, ठीक है। चार ऑप्शंस बेसिकली दिए गए होंगे, तो आपको जो जो ऑप्शंस यहाँ चाहिए होंगे आप उन पर टिक कर दीजिए। जैसे मुझे अभी फिलहाल CPU मॉनिटरिंग नहीं चाहिए, आप कुछ को अनटिक कर देंगे तो आपके पास बस नेटवर्क एंड मेमोरी मॉनिटरिंग बच जाएगी। आपको अगर मेमोरी मॉनिटरिंग भी नहीं चाहिए तो आप इसको भी अनटिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप रहने दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेटवर्क मॉनिटरिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है एंड आप देख सकते हैं टास्क बार में नाउ अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड्स आर शोइंग, ठीक है। तो ये काफ़ी गाइज अमेजिंग है। आप इसके स्टाइल वगैरह को चेंज कर सकते हैं, कलर स्कीम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें आप कर सकते हैं, नो इशू। हमने ये काम कर दिया, ये हमारा काम हो चुका है, बस आपको उसको क्लोज कर देना है, दैट्स इट। यहाँ पे अब हम यहाँ पे चलते हैं यूट्यूब पे एंड यहाँ पे मैं अपना कोई भी एक वीडियो प्ले कर देता हूँ, लाइक मैं अपना लेटेस्ट वीडियो 15 वेज टू फाइंड सब डोमेन्स ये वाली प्ले कर देता हूँ एंड लेट्स म्यूट इट एंड प्ले इट। तो देखते हैं हमारी नेटवर्क स्पीड इंक्रीज होती है या नहीं होती है। सो या ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क स्पीड जो है वो यहाँ पे चेंज हो रही है एंड डाउनलोड एंड अपलोड दोनों ही आपको यहाँ पे शो कर रहा है, जो भी हमारी करेंट नेटवर्क स्पीड है। एंड इस तरीके से आप एंड्रॉयड जैसा नेटवर्क स्पीड मॉनिटरिंग एक टॉगल इनेबल कर सकते हैं एंड आपकी जो भी नेटवर्क अप एंड डाउन स्पीड होगी यहाँ पे शो हो जाएगी। सो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी गुड ट्रिक टू शो योर नेटवर्क स्पीड्स ऑन योर विंडोज मशीन। बस ये छोटी सी ट्रिक थी गाइज एंड आई होप आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी।
अगर आपको लगता है कि आपको ये ट्रिक नहीं पता थी तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि हाँ मुझे ये ट्रिक नहीं पता थी। अगर आपको ये ट्रिक पहले से पता थी वो भी मुझे बताओ, ताकि मैं देखूँ किसको किसको ये ट्रिक पहले से पता था, किसको किसको ये ट्रिक अभी अभी इस वीडियो के थ्रू पता चला है। एंड आपके लिए अगर ये ट्रिक नहीं है तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो एंड उनको भी ये ट्रिक के बारे में बता दो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।